Hey kids, a very warm good evening. Can you all hear me and see me? Hey kids, good evening. This is Dr. Mani, and on behalf of Vedanta Biotonic, India's truly most trusted and most loved bio channel, I welcome you all to today's very important session for my lovely batch of class 11th raiders. Kaise aap log sab? Welcome to the top 40 questions for NEET preparation complete class 11 syllabus, right? क्लास 11th का टाइम टू टाइम रिविजन तो हो रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम कंप्लीट क्लास 11th को साथ के साथ रिवाइज करते चले. यस और नो, डन है ना? जरूरी कि हम क्लास 11th को रिवाइज करते चले. चलिए, तो इसी के साथ विद ऑल ऑफ यू हियर, पूरा क्लास 11th तक हमें पता चलता है. साथ के साथ हम रिविजन कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पर मेरे बच्चों क्लास 11th के कंप्लीट रिविजन को साथ साथ करने का बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है, राइट? ताकि आपको कैलिबर डेवलप होता रहे स्लोली. यू नो दैट यू हैव टू रिवाइज द एंटायर थिंग. एक एक दो दो दिन में आपको रिवाइज करने की आदत पड़ती रहे. यू आर एबल टू डेवलप योर कैलिबर, योर एप्टीट्यूड फॉर द पर्टिकुलर टेस्ट दैट यू आर एमिंग फॉर, दैट इज अ नीट इन 2022. चलिए, राइट? तो मिशन एमबीबीएस में क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट किया जाए. फुल सिलेबस टेस्ट हम आगे चल के देखते हैं. मेरे ड्रीमर्स, यस, अटेंडेंस मार्क कर दिए सबने. पहले बताओ अटेंडेंस मार्क कर दिया, ऐसे तो चलेगा ही नहीं. वन लाइक ऑन द स्क्रीन, जितने बच्चे हैं मुझे सबकी अटेंडेंस मार्क चाहिए, राइट एवरीवन? एंड गाइस, मेरे ड्रीमर्स, मेरे जिगर के टुकड़ों, मेरे दिल के सबसे करीब बच्चों, ड्रीमर्स, आपके लिए फ्राइडे शाम को एक बहुत एपिक जूम सेशन आने वाला है. एंड फ्राइडे इन द मॉर्निंग एट 6 AM स्पेशली आपको उठाने के लिए. ऐसी स्ट्रैटेजी ना आपने कभी देखी होगी ना सुनी होगी, मतलब दिस इज वन ऑफ द एपिक स्ट्रैटेजी. मैं डे बाय डे 70 डेज का टाइम टेबल मैं आपको देने वाली हूँ. इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग. जो भी बच्चा ये फॉलो करेगा, क्लास 11th वालों आप भी मिस मत करो, क्योंकि आप इसमें से क्लास 11th को सॉल्व करने वाले दिन मार्क कर लीजिए. डे बाय डे 11th 12th 13th सबने आना है. 70 डेज में मैं आपका फुल सिलेबस स्टडी, रिवाइज, टेस्ट, एवरीथिंग के साथ मैं आपको डे बाय डे स्ट्रैटेजी दूंगी. आई हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर दिस. बहुत टाइम लगा है, 10 दिन से ये मैं प्लानिंग कर रही हूँ कि कैसे, कौन से वीक में कौन कौन सा टॉपिक हो. बायो का इजी है तो फिजिक्स का टफ कर दे, बायो का टफ है तो केमिस्ट्री का इजी कर दे. बहुत टाइम लगा है ये स्ट्रैटेजी डिसाइड और प्लान करने में. नोबडी हैज टू मिस दिस लाइव लेक्चर, राइट? 70 डेज, 700 प्लस, नीट 2021, पी प्लस सी प्लस डी ऑन फ्राइडे मॉर्निंग 6 AM. सुबह उठना है जल्दी, जो मर्जी हो जाए. वन शॉट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लॉरिंग प्लांट्स, वन पेज नोट्स कल आ रही है. टुमारो 6 AM MCQs, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लॉरिंग प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस. सी यू एट 9 PM टुडे. यस, हैप्पी. सेल कर रहे थे. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वन पेज नोट्स, MCQ, एक्सप्लेनेशन विद द मेंटी क्विज, सुपर स्प्रिंट. हैप्पी, वूहू, डन. उसके बाद एक घंटे में एक चैप्टर कैसे खत्म करना है यार? एक घंटे में एक चैप्टर खत्म हो जाए तो मजा ही आ जाए. आपका तो एक चैप्टर 10 दिन में खत्म होता है. यस, नीट एंड बोर्ड प्रिपरेशन के लिए स्टडी टिप्स, हाउ टू स्टडी वन चैप्टर इन वन आवर. हैप्पी, खत्म करना है यार, एक एक घंटे में चैप्टर खत्म करना है. जल्दी 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 कैसे नोट्स बनाने, कैसे रिवाइज करना है, कैसे एकदम फटाफट पढ़ना है. हाउ यू स्टडी वन चैप्टर इन वन आवर इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट इन टुमारोज लेक्चर शार्प एट 9 o'clock. यस, ऑसम. चलो आगे बढ़े. तो ये सारी चीजें आ रही है. एंड एवरीबॉडीज फेवरेट श्रेया सिंबारे सर, सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स टू स्कोर हाई फिजिक्स फॉर नीट 2021 5 PM, राइट? बहुत 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 अमेजिंग स्टडी टिप्स है, राइट? 2021 2022 सबने आना है. डन, ऑसम आ रहा है ना, ऑसम फील आ रहेगी यार. यो, चलो आ जाओ, मेंटी कोड दे रही हूं बेटा. यस, चलो लेट्स मूव अहेड. इसी बात पे, ये तो मतलब बायोटोनियंस, और ये कर दें, दूसरे बच्चों को इंफॉर्मेशन बता दें, दूसरे बच्चों को चैनल के बारे में बता दें, फील आती है कि आपका चैनल है, फील आता है कि वाणी मैम आपकी फैमिली मेंबर जैसी है. Yes, I will do that, you woo. Beta, आज मुझे टाइम नहीं मिला, I was very busy preparing some super awesome content for you. आती है फील कि नहीं आती है? क्या मैम,
आप तो हमारी मैम, यस फील आती है यार, हमारा चैनल है, हमारी मैम है, कुछ घरवाली मतलब कुछ अपनापन फील आता है, तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। देखो अभी भी कुछ नालायक बच्चे जिनको फील ही नहीं आती, भाई इनके लिए जो मर्जी कर लो, आती थोड़ा प्यार मतलब थोड़ा होता है ना यार कि मैम, ये मैम को इतनी फील आती, मेरे बच्चे यस मेरा चैनल, तो मतलब बात ये मुझे तो लगता नहीं है आप लोगों को कुछ फील वील है। बायोटॉनिक फॉर नीट हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, इसकी एडमिन मैं हूं, राइट? तो बायोटॉनिक फॉर नीट आई सेंड मैसेजेस देयर, वॉइस मैसेजेस, वीडियो मैसेजेस, 24 घंटे में इसमें वॉइस और वीडियो मैसेजेस भेजती हूँ, सो दैट यू कैन गेट इन टच विद मी, यू कैन आस्क मी योर प्रॉब्लम्स, योर डाउट्स, व्हाटएवर यू हैव। इतने फेक आईडी मैं तो परेशान हो चुकी हूँ भैया, 1 करोड़ फेक आईडीज बन चुकी है, राइट? तो अच्छे से पढ़िए, टॉपर आपको बनाना, और 11th वालों ध्यान से सुन लो, सिर्फ आपके लिए एक प्रो मेंबरशिप ऐसी है। इस प्रो मेंबरशिप में आप अगर 1 महीने का भी प्रो मेंबरशिप ले लो ना, तो आप पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज कर सकते हो। बायो की टेंशन आप मेरे पे छोड़ दो, मैं हूं ना टाइप्स, बट यार फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ लो। और 1 महीने की ही मेंबरशिप, कोड जो है वो VD प्रो है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हमारे पास फिजिक्स के एट अ टाइम 50 लेक्चर चल रहे होते हैं, केमिस्ट्री के 50 लेक्चर, 10 माइक्रो कोर्स, 10 मॉड्यूलर कोर्स, 10 क्रैश कोर्स, 10 लॉन्ग टर्म कोर्सेस, आप सब में इनरोल हो सकते हो, क्योंकि प्रो मेंबरशिप अगर आप लेते हो तो आपके पास सारे कोर्सेज लगाने का कार्ड है। You can swipe it and enter whatever you want. 10,000 plus hours of live learning. Right, everybody? Thousands of questions. All of this happens with Vedantu Pro. 5,000 plus hours of live learning. 10,000 plus MCQs. 20 plus teachers. Right? This is super amazing. Code yaad rakhiyega. VD Pro. Chalo, padafat menti.com pe chalte hain. Top 40 questions karte hain. So you have to open a window jispe menti.com likha hai. ओपन कर लीजिए वन विंडो जिसमें menti.com लिखा है, कोड लगाइए 4798000, 4798000। चलिए स्पीड बढ़ाइए थोड़ी सी, स्टार्टिंग 5, 4, 3, 2, and guys, have all of you become a part of We Biotonic? Have you all liked? Have you all shared? Have you all subscribed? Have you all become a part of We Biotonic? Have you all joined the quiz? Quickly, 4798000. Go to menti.com. Put the code as 4798000. ज्वाइन स्टार्ट कर दे, थैंक्स नेहा, स्टार्टिंग इन 5, 4, 3, 2, 1, टॉप 40 क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन्स, नो मिस्टेक्स प्लीज। इन कॉकरोच स्पाइरकल्स कहां पर होते हैं? एनिमल किंगडम, यू डन इट फ्यू डेज अगो, यू कैन नॉट बी मेकिंग मिस्टेक्स एनी मोर। थोरैक्स 2 pairs, एब्डोमेन 4, थोरैक्स 2, एब्डोमेन 6, थोरैक्स 2, एब्डोमेन 8, थोरैक्स 2, एब्डोमेन 10। यू शुड नो द टोटल नंबर ऑफ स्पाइरकल्स, यू विल इजीली बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। कम ऑन स्पीड अप, 14 more seconds to go, my lovely kids. Five more seconds to go. 3, 2, 1. Time is up. Awesome, Blossom. How many are there? Total are 10 pairs. जिसको थोरैक्स और एब्डोमेन ये भी नहीं पता था, 10 तो पता होना चाहिए ना। यहां 12 pairs हो रहा है, यहां 8 pairs हो रहा है, यहां 6 pairs हो रहा है, टोटल आर 10।
वेरी गुड वंदना. क्वेश्चन नंबर टू. दिस इज द चीफ प्रिंसिपल ऑफ रीनल डायलिसिस. जब किडनी फेलियर होता है, कोई डायलिसिस करता है, उसका प्रिंसिपल क्या है? कैपिलरी एक्शन. यस, दे स्टिक टू ईच अदर, कैपिलैरिटी मचा रहे हैं वहां पे. अडेशन है, कोहेशन थ्योरी है, ट्रांसपिरेशन ऑफ वॉटर हो रहा है या रिवर्स ऑस्मोसिस हो रहा है. Yes. अरे my mentee, it is reverse osmosis. Isotonic reverse osmosis answer C है. Mentee की तो आज मतलब, can somebody courier me a danda please for mentee? Right? Please. Mentee की तो आज मतलब धुलाई करनी है यार. इसमें कोई doubt नहीं है, मुझे लग रहा है screen फोड़ ही दूँ मैं आज. By the way, मैं Saturday के लिए एक और surprise plan कर रही हूँ आप लोगों के लिए. Saturday रात को 9 बजे. Which of these does the chemical classification of hormones exclude? Steroid, amino acid based hormones, chemical, protein, glucose containing hormones. This is so nice. There is nothing called glucose containing hormones. Amino acids, yes. Proteins, yes. Steroids, yes. But glucose wale koi hormone nahi hote. Right? Osmolarity nahi badhani hai blood ki aate jaate. Menti ke dande se pitai. Menti ke aaj to matlab lath maar holi khelni hai menti ke saath is baar. Before pyruvate enters the Krebs cycle, the connecting link between Krebs. Are please isko galat mat karna. This is the easiest question. Acetyl coenzyme A, right? It is the link reaction. It is referred to as acetyl coenzyme A. This is so nice. Question number five. Over to you. In funaria, the sporophytic phase is well developed, comprising sporophyte. मेरा pen निकल गया. मैं आपके लिए कुछ notes लिखने वाली थी अभी. Foot and capsule, only capsule, spore sac, set of foot and capsule. Over to you, quickly. The sporophytic phase is well developed. Very nice. Sporophytic phase is well developed. Seta is there, foot is there, and capsule. Seta, very good. Yaar, aapko, I'm proud of you. Yes, I will, Yuvika, I will help you with the crash course. Abhi bata deti hu, my dear child. Give me 10 seconds after this question, Yuvika. Don't spam me. Abhi crash course ke baare mein bata deti hu. चालाक बच्चे कह रहे मैम यू सेंड अ स्टेशन वी विल सेंड यू डंडा. नो मैम विल गो आउटसाइड एंड गेट वन डंडा ऑन हर ओन. थिनेस्ट बोन इंकस टेपीज फिब्यूला मेलियस. बड़े चालाक बच्चे हैं, बड़े चालाक है भगवान. टीचर से भी मतलब बार्टर सिस्टम कर रहे हैं, देख लो. Oh, that's so nice. Thin bola hai, thin, malleus, intestapes, smallest nahi bola hai. Thinnest, smallest bola hai. Have they said smallest?
बताओ मुझे, मेलियस इनकस स्टेपीज, राइट? इज इट? इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लॉन्ग बोन्स, टीबिया के नीचे, लिटिल बिलो द टीबिया, राइट? इट इज थिनर देन टीबिया, थिनेस्ट लॉन्ग बोन्स में, थिनेस्ट. शॉर्ट बोला है, क्यों गलती करते हो? इतने सिंपल क्वेश्चंस में थिन बोला है. मेलियस इनकस स्टेपीज, मिस हैज हेमर, हैमर शेप्ड, एनविल शेप्ड, स्टिरप शेप्ड, स्मॉलेस्ट बोन, स्टिपेडियस मसल, विच इज स्मॉलेस्ट. स्मॉलेस्ट तो कुछ पूछा ही नहीं, ना मसल पूछा है, ना मेलियस इनकस स्टेपीज में से, ईयर ऑसिकल्स में से स्मॉल पूछा है, इन्होंने तो थिन पूछा है. इट इज फिब्यूला. गुड, माइनस वन हो गया. डोंट मेक मिस्टेक्स. क्वेश्चन नंबर सेवन ऑन योर स्क्रीन्स प्लीज. युविका, मैं अभी इसके बाद आपको क्रैश कोर्स के बारे में बता देती हूं. डोंट यू वरी अबाउट इट. This is the way. My children are performing very, very well. This is really nice. Not even one single hung parliament Super Mario Bichari ki entry nahi hui abhi tak, tubulin. Right? Flagella, they are made up of tubulin, which is a contractile protein. Very well done. Very, very well done. Question number 8 of 40. Very nice. Sperms in male cockroach are stored in which part of the reproductive system? They are found in seminal cycle. Okay, no making mistakes, please. No mushroom glands. They are stored in the seminal vesicles. No mistakes. 10th ke baad, Yuvika, I'm going to talk about the crash course. Don't worry. Cell junctions. Cell junctions. Obviously epithelium. Cartilage में cell to cell junctions क्या करेंगे? Cell to cell junctions be desmosomes between cell and cell, or hemidesmosomes between cell and epithelium are in the epithelium. Tendons, ligaments, thrombocytes, platelets, hyaline cartilage do not have cell junctions. And जिन्होंने mushroom gland किया था, it is an accessory gland. Question number 10. Incorrect statement, please. Mycoplasma is a wall-less microorganism. We talked about it कल 5 o'clock की क्लास में. Pili and fimbria are mainly involved in motility. Bacterial cell wall is made up of peptidoglycan. Exactly same statements I discussed in yesterday's class. Cyanobacteria lack flagellated cells. You have to pick up the incorrect one and not the correct one. So please don't end up making mistakes. Please. You have to pick up the incorrect one. Please. Please pick up the incorrect one, not the correct one. Very nice. These are not meant for motility. These are meant for attachment. So this brings us to question number 11. One second now, guys. There are some students who are asking for crash course bahut der se. So I'll take 1 minute and discuss it with them. Right? I've been very patient, or they have been very patient, and we need to talk about everybody. ठीक है, तब तक बाकी बच्चों के लिए ग्रेट जॉब, यू बीन डूइंग वेल. गिव मी 1 मिनट, आई विल टॉक अबाउट इट.
देखिए बेटा ये सारी जो फोटोग्राफ्स हैं क्रैश कोर्स की क्लासेस से हैं. सो दिस इज हाउ यू आर बीइंग टॉट. आपको ऐसे नोट्स मिलते हैं क्रैश कोर्स में हर एक सब्जेक्ट में. बायो में तो वानी मैम इज देयर, यहाँ पर भी आपको पढ़ा रही है, बट दीज नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. सी लाइक दिस, आपको पूरे एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट मार्क किया जाता है, डायग्राम्स को डिस्कस किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट. आप ऐसे टेस्ट देते हो वीक ऑन वीक ट्राइंग टू इंप्रूव योर एक्यूरेसी, प्रेडिक्टेबिलिटी. टेस्ट का पूरा एनालिसिस होता है, आपके टेस्ट को एनालाइज करके आपको रिटर्न किया जाता है, सो दैट यू नो वेयर यू स्टैंड, व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स आर यू मेकिंग, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव, किस टॉपिक में मिस्टेक कर रहे हो. बहुत अच्छे से टेस्ट का एनालिसिस आपको दिया जाता है, ऐसे पूरे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको पता चलता है आप करेक्ट कर रहे हो इनकरेक्ट कर रहे हो. यू आर एबल टू गेट अनम्यूटेड ऑडियो वीडियो इन द क्लास सो दैट द टीचर कैन टॉक टू यू एंड यू कैन आस्क द डाउट्स टू द टीचर. मुझे लगता है ऑनलाइन में भले ही वो यूट्यूब हो या क्लासेस हो, दिस इज वन मेजर थिंग, आप क्लास में किसी तरह अपने टीचर से अगर डाउट पूछ सको, टीचर से कनेक्ट कर पाओ, टीचर को बता सको मुझे समझ में नहीं आया, अपने डाउट्स टीचर को पूरी क्लियरली बता सको. दैट इज आफ्टर फोर्टिफिकेशन एंड सेकंड नियोसिस हैपेंस. सी परफेक्ट. हाउ मेनी प्राइमोर्डियल आर देयर? ओनली प्राइमरी आर देयर? देखो ना कुछ. यस मैम. हाउ मेनी रीच द स्टेज और हाउ मेनी ऑफ देम इवेंचुअली बिकम सेकेंडरी ओसाइट और बिकम प्राइमरी ओसाइट एंड अंडरगो नियोसिस इफ इन डेवलप्ड important. ये जो आप इंटरैक्ट कर पाते हो, टीचर आपसे पूछता है, आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक चीज है जो आपको क्रैश कोर्स में मिलती है. क्विज करवा रही हूं बेटा, कई बच्चे पूछ रहे हैं अपूर्वा, क्विज आपको करवा रही हूं, 1 मिनट में स्टार्ट करवा रही हूं मैं क्विज, राइट? तो ये सारी चीजें आप ऐसे टेस्ट देंगे, आपको लीडर बोर्ड में आने का मौका मिलेगा, ऑल ऑफ दिस हैपेंस. इसलिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तो जरूर हेल्प चाहिए होती है. आप यू नो यू कैन गिव टेस्ट लाइक दिस, ये तो बायो का टेस्ट है, ऐसे आप फिजिक्स का टेस्ट, केमिस्ट्री के टेस्ट, हर एक सब्जेक्ट के आप टेस्ट दे सकते हो. दिस इज फिनोमिनली इंपॉर्टेंट, राइट? आपके सेशंस देखिए कैसे स्केड्यूल्ड हैं. देखिए दिस इज हाउ योर सेशंस आर गोइंग टू बी देयर, राइट? तो आपने कोड लगाना है वीडी नीट, 120 सेशंस, 20 टेस्ट्स, अनलिमिटेड डाउट सॉल्विंग. वीडी नीट कोड, 2000 रुपीज ऑफ, यू गेट द एंटायर क्रैश कोर्स. कहां से पता चलेगा आपको कि कोड लगाना है? लिंक कहां से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. राइट? चलिए तो यहां पर है आपका क्रैश कोर्स, राइट? यहां पे कीजिए बाय नाउ को क्लिक और यहां पर कोड लगा दीजिए वीडी नीड. चलिए वापस फटाफट टेस्ट पे चलते हैं. अपूर्वा बेटा आई होप इट इज क्लियर विद यू. जो भी बच्चे पूछ रहे थे डाउट्स, युविका वाज आस्किंग, राइट? चलिए ये देखिए आप लोगों ने, आ जाइए वापस अपने टेस्ट पर. थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे, फुल स्पीड पे आगे बढ़ेंगे. चलो मेरे बच्चों, the ribosome is engaged in protein synthesis in animal cell. This ribosome, कौन सा वाला? Only on cytosol, nuclear membrane and endoplasmic reticulum, animal cell बोला है. Ribosomes of only mitochondria and cytosol, nucleolus and cytosol. चलो. How to join the quiz? Please go to menti.com. 4798000 is the code. Is the code. Nuclear membrane and endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum. Nuclear membrane and endoplasmic reticulum. Excellent. 12. Speed up. स्टॉल का मतलब होता है स्टॉप्ड. डीएनए रेप्लिकेशन फोर्क रुक गया है.
Oh, very nice. When a cell has stopped the DNA replication, which checkpoint? G1, S, G2, M. Synthesis of the DNA occurs in S stage. What is the order? Repeat after me, please. What is the order? Repeat after Vani, ma'am. The order is G1, S, G2, M. I repeat, what's the order, lovely kids? G1, S, G2, M. So if it stops here, this checkpoint, the G2M checkpoint is going to get activated. Well done. Let's move on to question number 13. I want you to speed up, buck up. You're doing very well. You need to buck up slightly. Right? I always shall be. So proud of all my children. Whether you get a seat or you don't get a seat, doesn't matter. What matters is the amount of hard work you put in. What matters is how strong is the strength of your character. What matters is how kind is your heart. And what matters is how witty is your brain. Yes? So even if you get a seat, you don't get a seat, doesn't matter. What matters is that you will always be special to me. And you will always be maybe one telegram text away. Right? Just so happy seeing you all do so well, right? Chali. Question number 14. Deficiency symptoms of nitrogen and potassium are first visible in. Deficiency symptoms of nitrogen and potassium are visible first in. La 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 la, buds, no roots, no senescent leaves. They are pulled back. जो old leaves होते हैं, उनमें से हम सब कुछ pull back करके उनको yellow करके abscission zone बनाकर knockout कर देते हैं उनको. Buds और leaves तो बच्चे हैं, उनमें नहीं करने देते first of all. Senescent old leaves जो yellow होने वाले हैं, उनमें से सारे nutrition को वापस ले लेते हैं, abscission zone बना लेते हैं और बेचारे को गिराकर फेंक देते. कितनी बार करवाया गाइस. क्वेश्चन नंबर 15. चलिए चलिए Which one of the following elements in plants is not remobilized? Sulfur, potassium, phosphorus, calcium is not remobilized. Calcium is a part of calcium pectate, magnesium pectate, which is a part of in between middle lamella. Yes, in between the cell walls of middle lamella, it is not remobilized. Well done. Next question. Question number 16. Please focus on the screen so that I can move aside. Focus on the screen, please. Question number 16. Column of water within xylem vessel. The tall trees do not break under its weight because of. Why does it not break? Tensile strength of water, dissolved sugar is water, positive blood pressure, liquefaction. Arre, bada lallu pallu sawal hai. Bada hi lallu pallu sawal hai.
टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वॉटर, कोहेशन टेंशन थ्योरी को, यस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वॉटर. अरे यार आप लोगों ने तो आज एक बार तो सुपर मारियो को एंट्री करवा दो. चलो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाओ पर, प्लीज कम ऑन. ग्लाइकोलेट, यार ये तो आता है हमें, हमने किया हुआ है ग्लाइकोलेट. आता है हम सबको, हमने किया हुआ है. विच कॉन्सेंट्रेशन, अरे कब ग्लाइकोलेट को भी मारो गोली, मारो गोली, कब खुलना चाहिए. अरे बेटा पहला हाई कार्बन डाइऑक्साइड है तो स्टोमेटा क्यों ओपन होगा. जब लो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर स्ट्रेस में स्टोमेटा बंद हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तभी तो C6H12O6 बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है. सो इट इज लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. हाई में क्या जरूरत है. क्वेश्चन नंबर 18, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस एट इंडिपेंडेंट. चलो 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 चलो, ये तो मेरे बच्चे अच्छा कर रहे हैं. वेल डन. स्टोमेटल मैट्रिक्स, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहां होते हैं, मैट्रिक्स स्ट्रोमा में होते हैं. लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, एंजाइमैटिक होते हैं, स्ट्रोमा में होते हैं. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहां होते हैं, ग्रैनोथायलोकाइट में होते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 गाइस, पर लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही मत, वो तो मतलब किसी और के लिए छोड़ दो, जेई वाले करेंगे, है ना मेरे नॉटी बच्चों. एंडोस्पर्म किसमें नहीं होगा, मैंने आपको बहुत बार बताया भाई, ये वो सीट है जो बहुत कम वायबिलिटी होती है, बहुत कम वायबिलिटी. सही. ऑर्किड्स, ऑर्किड्स आर नॉट वायबल एट ऑल. चलिए पल्सेस, इससे इजी क्वेश्चन नहीं आ सकता. पल्सेस, फेबियसी फैमिली, फेबियसी, लवली, वेल डन. यस ऑब्वियसली यार ये तो मतलब इजी है, इसमें तो क्या ही है. मतलब सिमू आज पक्का. रिया, वंदना, शिवानी, युविका, हनु, सच अ ब्यूटीफुल नेम, हनु, प्रतिभा, प्रियंका, सारांश और ले. टी शर्ट कैसे नहीं मिली. आकाश पटेल, बॉम्बे आके टी शर्ट दे जाती हूँ. ऑसम, यस. चलिए अगले सवाल पे. 21, cells of this tissue are living and show angular wall thickenings. कितनी बार वाणी मैम ने क्वेश्चन कराया बेटा, इसके तो नोट्स भी बनाए. कॉलेनकाइमा, राइट, कॉलेनकाइमा, एंगुलर वॉल थिकनिंग्स, कॉलेनकाइमा. 22, एपिब्लेमा ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू, एपिब्लेमा ऑफ रूट्स इज इक्विवेलेंट टू,
This is amazingly well done. Epidermis, epidermis is the outermost covering. It is, yes, no, epidermis. Aaj to menti ka khoon ho hi jaye mere haathon. Matlab, screen ko fod hi doon main aaj. Phellogen and phellum, respectively, kis cheez ko denote kar rahe hain? Good. Mushkil question tha. Phellogen is cork cambium. Phellum is cork. Proud of you. Question number 24. Thoda sa time bacha hai. Thodi si speed badha lo. Chalo. Chalo. Achche se karo. Man laga ke karo. Achche se karo. Chalo. Thoda sa man lagao. Not a common disorder associated tetanus, diarrhea, jaundice, dysentery. Easy hai, bahut easy hai. Not bolna hai, not. Clostridium tetani, Entamoeba histolytica, amebiasis, jaundice, dysentery, tetanus, injury. It's a soil bacteria. A gland not associated with the alimentary canal. Chaliye, 13 more seconds to go. Very nice. Adrenal gland not associated with the alimentary canal. Kaun sa hai? Jo associated nahi hai. Adrenal gland. Proud of you. Question 26 of 40. A person breathes in some volume of air by forced inspiration after having a forced expiration. Forced expiration ke baad. The person who breathes in the air. Batao. Total lung capacity, tidal volume, vital capacity, inspiratory capacity. A person breathes in some volume of air by forced inspiration is a vital capacity. Tidal volume to lega, saath mein inspiratory reserve volume. Tidal volume to lega, uske upar extra lega na. It has to be tidal volume plus the extra, isn't it? Emphysema. Chronic obstructive pulmonary disorder. Emphysema. Please increase your speed of answering. Emphysema. Emphysema, chronic obstructive pulmonary, very good, alveolar walls lose their elasticity. What does a smoker do? So the elasticity is lost, which is referred to as, that is why this is called as a smoker's disease. It occurs exclusively in smokers. It's called as emphysema. It's also referred to as chronic obstructive pulmonary disorder. Proud of you. And I'm moving on to the next question. 28th. You guys are the best. Isme mujhe kabhi koi doubt nahi hua that one of the most sincere students are on B-Biotonic. And you guys truly make me such a proud teacher. Does not monocytes, neutrophils, basophils, macrophage, one of them produces
antibodies. That's a very big hint. Please don't get confused. That's really nice. Basophils. What is it called? Basophils. Right? Heparin, histamine, serotonin release karne wale. Phagocytosis nahi karenge. B and T lymphocytes are the ones. Monocytes, neutrophils. B and T lymphocytes and the basophils do hote hain jo non-phagocytic hote hain. Well done. Proud of you. 29th. Chali. 12 more seconds. Now this is really nice. Make the pair, mark the pair of substances among the following, which is essential for coagulation. Calcium ions. आपके पास ब्लड को कॉगुलेट कराने के दो पाथवेज होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल पाथवे. यू अग्री विद मी? इंटरनल पाथवे, एक्सटर्नल पाथवे. आपका इंटरनल और एक्सटर्नल पाथवे एक जगह पर मिलता है. मैं इसको आईपी लिख देती हूँ, इंटरनल पाथवे, एक्सटर्नल पाथवे. और यहां पर होता है कैल्शियम. तो प्लेटलेट के फैक्टर्स, फैक्टर्स होते हैं 13 और दोनों फैक्टर्स मिलते हैं कैल्शियम पे. कैल्शियम के बिना ब्लड कॉगुलेट नहीं होगा. इसीलिए आपको पता होना चाहिए चिलेटिंग एजेंट्स डाल दिए जाते हैं किसमें, ब्लड बैंक्स में, जो ब्लड को कलेक्ट करते हैं, क्योंकि ब्लड कैन नेवर कोगुलेट विदाउट कैल्शियम. मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लड कोगुलेशन के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे बच्चों. अगले सवाल पे चलते हैं. चलिए, टेन मोर सेकेंड्स आर अप. कार्डियक इंपल्स इज इनिशिएटेड एंड कंडक्टेड फर्दर अप द वेंट्रिकल. करेक्ट सीक्वेंस इज एस ए नोड टू एवी नोड, एवी नोड टू बंडल ऑफ हिज टू पुर्किंजे फाइबर्स. एस ए एवी बंडल ऑफ हिज पुर्किंजे फाइबर्स. क्यों मुश्किल लग रहा है? वॉट वुड बी द कार्डियक आउटपुट? अरे रे रे, सीओ इज इक्वल टू एस वी इंटू एच आर. चलो, excellent, that's really nice. You just have to, CO is equal to SV into HR. Cardiac output is equal to stroke volume into heart rate. Yes, B? Is it not? Nishant, Gayatri, chali agle sawal pe. Which one of the following pairs is incorrect? Hinge joint is between you. Pectoral girdle is hinge joint. It's a 360. It's a ball and socket joint. Hai na? Hinge is one. Only one. Mein tootega to hi ghumega. Chalo, 33rd.
That's really nice. Atherosclerosis, not a disorder of the bone. Atherosclerosis is a disorder of the blood vessels in which there is thickening of the blood vessel. Because of thickening of the blood vessel, there is narrowing of the diameter. Because of narrowing of the diameter, the blood flow is impaired, which leads to a heart attack. Understood? Atheroma. Athero is a plaque. Sclerosis is hardening. So because of the deposition, the hardening of the blood vessel takes place. Done. Question number 34. Here we come. The function of a visceral organs. Viscera. Hollow internal organs. That's really nice. Sympathetic and parasympathetic nervous system, right? Visceral organs are sympathetic and parasympathetic nervous system. Good. Answer to aap bade khub machare. I total matlab you guys are on fire today. I'm loving it. Chaliye. An area of the brain which is associated with very strong emotions. Easy question. Cerebral cortex, cerebellum, limbic system. In charon mein se amygdala kiska part hai? Amygdala kiska paate? And let me tell you one thing, guys. As a teacher, the most important thing, the only thing which means and matters to me is your future. Nothing else matters. Right? That's why you will never see me rang birangi chashme, rang birangi, you know, cheese. Though there is only one thing which should matter to a teacher is the right conduct and immense hard work. For, you know, you should be the right role model for a student. And for a student, the only thing which matters is excessive hard work. Limbic system mein amygdala hota hai. Leaderboard ek baar toh dikha diya, abhi toh end mein dikhaungi na leaderboard dikhao. Ramayan Godara ji. Hai na? 36th. Chali. That's really nice. Which of the following hormones is not secreted by the anterior pituitary? Oxytocin, because it is secreted by the posterior pituitary. Oxytocin, antidiuretic hormone. 37th question. Menti code hai Yash 4798000. The steroid responsible for the balance. Are are are. Abhi leak kar diya maine. Okay, no leaking. Oh, that's really nice. Aldosterone. Lovely. Question number 39 already. Guys, aaj to kya speed 15 minutes mein kar liye question. Synergistic when they work together. When two hormones act together will bring about the opposite effects. When two hormones act together and bring about the same function. When one hormone affects more than one. When many hormones bring about any one function. Oh, that's really nice. When two hormones act together and contribute to the same function, it is synergistic.
growth hormone and T3, T4 together work to do metabolism. That is synergistic. They are working together. 40 on 40. Nail it. Monocarpic. Mono is one. That's awesome. Flower only once. No, monocarpic. Bamboo is monocarpic. जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार फूल दे वो क्या कहलाएंगे? Monocarpic. क्या कहलाएंगे? Monocarpic. Is that clear? Leaderboard दिखा दो, पर leaderboard पे जाने से पहले guys, you have to send your love to me Biotronic. Every single one of you has to make sure that you are liking, that you are sharing, that you are subscribing, that each one of you is becoming a part of me Biotronic with all your love. Yes, so I'm going to show you the leaderboard. But before I go to the leaderboard, eight last time, let me show you something super amazing. Guys, for all of you who are looking for the crash course, it is one of the best opportunities jo aapke samne presented hai. Yahan pe code daliye. Buy now pe click kijiye. VD need code daliye and do come and buy the crash course. And I promise it to you, not VD need 21. तो इसको हटा दीजिए, सिर्फ VD NEET आपका कोड है. इट्स गोइंग टू बी रियली अमेजिंग बिकॉज आपको सच में फिजिक्स केमिस्ट्री में मेहनत करने की जरूरत है. और मैंने आपको पूरा क्रैश कोर्स दिखा दिया है, हाउ एग्जैक्टली यू विल गेट एनालिसिस ऑफ द टेस्ट्स, हाउ डू यू स्टडी द रेगुलर क्लासेस, हाउ टीचर राइट्स, टीचर एक्सप्लेन्स, हाउ डू यू टेक योर डाउट्स, हाउ डू यू हैव लीडर बोर्ड्स, ऑल ऑफ दिस एंड मच मोर. राइट, चलो तो इसी के साथ मैं आपको आज का फाइनल लीडर बोर्ड दिखा देती हूं. बट डोंट मिस दी अपॉर्चुनिटी, मंडे से नया क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, मिस मत कीजिएगा. सिमू, रिया, युविका, प्रियंका, पलक, सारे मेरे रेगुलर बच्चे, आयुष, शाश्वता, रितेश, यस, श्रीलता, प्रियंका, आयुष, रिया, अक्षी, शाश्वता, पलक, युविका एंड सिमरन वोरा, अमेजिंग. रितेश, गेट इन टच विद मी ऑन टेलीग्राम. Right, waiting for you to reply back to my message on Telegram. Bye guys, take care. See you, Shravan, 9 o'clock for the board exam class. Don't miss it. Bye. Bye.